दूसरी लहर तकरीबन 28 महीने पहले का ये मंजर हम में से जो भी आज इस धरती पर है वो कभी भूल नहीं पाएगा। भगवान का शुक्र है कि दुनिया इस भयानक दौर से निकल गई। हालांकि एक ना एक दिन तो मुश्किल वक्त भी खत्म होता है, लेकिन बहुत से लोगों में अब भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अमित बरकरार हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक सुन रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम से अब भी लोगों की जान जा रही है और लोग अब भी अस्पताल जा रहे हैं। कोरोना में फेफड़े कमजोर होने से लोगों को अब खूनी खांसी तक हो रही है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एम्स की ताजा रिपोर्ट है उसमें जिसके मुताबिक 2 साल बाद भी कोविड के साइड इफेक्ट्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को फेफड़ों में कैविटी, फाइब्रोसिस, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा अटैक, सीने में अचानक दर्द और एंजाइटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पोस्ट कोविड कंडीशन केवल भारत में ही हेल्थ इश्यू नहीं है। साइंस जर्नल नेचर के मुताबिक सीरियस कंडीशन वाले कोविड पेशेंट्स को नई बीमारियां हो रही है जो उन्हें कोरोना से पहले कभी नहीं थी। और इतना ही नहीं, किडनी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं लोग और पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग कोविड से हेल्थ एक्सपर्ट इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि इसका जो स्केल है वो काफी बड़ा है। मतलब ये कि कोरोना से अस्पताल में भर्ती 65% मरीजों में 2 साल बाद भी लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वहीं घर पर इलाज करने वाले 31% जो लोग हैं अब तक उनमें भी हल्के हल्के लक्षण हैं। और दिक्कत वाली बात तो ये है ज्योत्सना कि भले ही लोगों को ये लग रहा हो कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस साल भी भारत में 46% लोग कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं। आज भी 46% लोग। बिल्कुल, और ऐसे में इसका समाधान बस योग और प्राणायाम है जिसने कोविड काल में भी हमें बचाया है। और अब कोरोना की जो पूछ रह गई है, यानी जो साइड इफेक्ट्स रह गए हैं, अगर उनको भी खत्म करना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको योग के शरण में आना ही होगा। और हम चले अब स्वामी रामदेव के शरण में, जो हमें योग के जरिए बीमारियों से लड़ने की ताकत और उपाय बताते हैं। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, कोविड जैसा हाथी निकल गया, पूछ रह गई है। प्रणाम स्वामी मेरे भाई, आपको भी पूछ से छुटकारा। और देखो, आप बोल रहे थे 2 साल से भी अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, 2 साल हो गए, 100 साल तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कोरोना का असर व्यक्ति के स्पर्म और माँ बहन बेटियों के ओवम तक चला गया। और कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए और इस समय जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर जिंदगी भर रहने वाला है, और जो इस समय बच्चे पैदा हुए उनके जीवन पर ही असर रहने वाला, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में इसका असर चला गया। और ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग इसके रूप बनते रहेंगे और ये कोरोना का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम इधर ये यज्ञ चिकित्सा कराते हैं, धूम चिकित्सा करवाते हैं। ये यज्ञ चिकित्सा, ये धूम चिकित्सा, प्राणायाम तो लाभ करता ही करता है। और इसमें फिर आज हम ये इंफ्रा रेड रेडिएशन IRR इसके बारे में भी अंत में बताएंगे, ये भी कैसे लाभ करता है हमारे लंग से लेकर के और अलग अलग प्रकार के हमारे पेन्स तक को रिमूव करने में। फिर ये जननेति सूत्रनेति चल रही है, इधर देखो ये लंग बस्ती चल रही है और नस्य चल रहा है। ये तो सब सदियों से चल ही रहा था, हम उसको वैज्ञानिक रूप से पूरा प्रस्तुत करते हैं कि एक एक सेल से लेकर के, वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, एक एक सेल से लेकर के पूरे सोल का ये जो कंपोजिशन है वो हमारी बॉडी है, 37 ट्रिलियन सेल्स के कंपोजिशन से। अब इसमें जो लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहले असर किया कोरोना ने, उसके बाद में वात पित्त कफ तीनों दोष बिगाड़ डाले, उसके बाद लंग तक पहुँच, उसके बाद हार्ट में, हार्ट से फिर ब्रेन में, फिर नसनाड़ियों में, फिर लीवर किडनी पर, फिर स्किन पर लोगों को सफ़ेद दाग हो रहे हैं, फिर उससे ऑटोमेन डिजीज तक, और मैंने तो लोगों को कैंसर तक होते हुए देखा है। ये कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस को आंखों से देखते तो कई बार तो रूह कांप उठती है, लेकिन हमारे पास समाधान है। ताड़ासन करें, देखो कितना सरल, ताड़ासन करें, ऐसे तिर्यक ताड़ासन करें, कितने इजी हैं ये सारे अभ्यास। आज 10-15 हम फिर से दोहराने वाले हैं, जो समय हमने दोहराया था, गिलोय की, तुलसी की, अश्वगंधा की जो है जड़ी बूटियों का रस पिए, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश का सेवन करें, स्वासारी स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, और अब तो हमने स्वासारी अवले है, एक नया अवतार भी तैयार कर दिया है। फिर से नस्य,
और ये सप्ताह में एक बार तो करते रहे। स्वामी जी, आज जितने भी थेरेपीज हैं, योगिक उपाय हैं, वो आज हम इस पूरे कार्यक्रम के जरिए आपसे आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन एक एक करके विषय हम जरा शामिल करते जाते हैं। स्वामी जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हाथी तो निकल गया है, लेकिन अभी उसकी पूंछ बाकी रह गई है, और आप ये कह रहे हैं कि 100 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब स्वामी जी, कोरोना के घातक प्रहार को झेलकर दुनिया भले ही बाहर निकल गई हो, और इसमें तो आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पर पोस्ट कोविड परेशानियां जो बनी हुई है, उसमें सबसे खतरनाक खबर यह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक कुछ लोगों को खून की उल्टियां हुई हैं। अब ये खून की उल्टियां क्यों हो रही है और इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, आज यहां से शुरुआत करें आप। हाँ, तो देखो, खून की उल्टियां इसलिए हो रही हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिए लोगों ने, ज़्यादा स्टीराइड लिए लोगों ने, योग अपनाया नहीं, और स्वासारी का काढ़ा, दूध में हल्दी सिराजी, च्यवनप्राश लोगों ने खाया नहीं, तो फेफड़े कमज़ोर हो गए, फेफड़ों के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो कमज़ोर हो गई, तो खून बहने लग रहा है, तो खून निकल रहा है। तो उसको, खून को ठीक करने के लिए एक तो हम बताते हैं, नाक केसर 100 ग्राम, स्फटिका 5 से 10 ग्राम, और कहरवा पिष्टी 5 से 10 ग्राम। फिर से बोल रहा हूँ, नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा और स्फटिका भस्म, कहरवा पिष्टी स्फटिका भस्म 5 5 10 10 ग्राम मिला करके इसको सुबह शाम दोपहर 3 बार ले लें। यज्ञ की भस्म, यहाँ अग्निहोत्र होता है प्रतिदिन, और यज्ञ की भस्म को पानी में मिला करके उसका जो पानी है ना वो पी लेते, उससे ये ठीक हो जाता है। फिर अगला उपाय, ये अंदर से ये जो ब्लीडिंग हो रही है, किसी किसी के फिर प्लेटलेट बहुत कम हो गए, फेफड़े कमज़ोर हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, तो प्लेटलेट के लिए हमने कई बार बताया, फिर से बता रहे, पपीते अब से तो प्लेटोग्रिट वटी भी हमने बना दिए, अब ये प्लेटोग्रिट जूस हम बताते हैं, अनार, अनार, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, वीट ग्रास, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस, इन 5 चीज़ों का जूस पी ले, तो किसी को प्लेटलेट कम होने से भी ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक हो जाएगी। फेफड़े और फेफड़े के जो एल्वोलाइज कमज़ोर हो गए, तो कैपिलरी से ब्लड लीकेज हो रहा है, तो उसके लिए खाली पेट ब्रोनकोम, और खाने के बाद स्वासारी, अश्वासारी गोल्ड ले लें, अभी स्वासारी अवलेह में बता रहा था वो भी तैयार कर दिया, और दूध में हल्दी सिलाजीत थोड़ी मात्रा में सिलाजीत लें, दूध में 1-2 ग्राम हल्दी, 1-2 बूंद सिलाजीत, और च्यवनप्राश लें। ये फेफड़ों को इतना फौलादी बना देता है, फिर फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। प्राणायाम जरूर अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, और इसलिए हम आज अभी सूर्य नमस्कार भी आराम आराम से ही कर रहे हैं, ये अवश्य करें मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना की वजह से जो भी लोग सीरियस थे या सीरियसली बीमार थे, जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनमें से 65% ऐसे लोग हैं जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए, और यही कारण है कि लंग्स कैविटी, फाइब्रोसिस, एंजाइटी जैसी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसका क्या उपाय है, कैसे फेफड़ों को मजबूत किया जाए, ताकि और जो दूसरी बीमारियां हैं जिनका तो मैंने जिक्र किया, उसकी चपेट में आने से बचे रहे। पूरी अंदर से फेफड़ों की ज्योति जलती रहेगी। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, योग की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, वेद की ज्योति जलती रहे, आत्म ज्योति सभी की जली ही रहे। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक तो ये अभ्यास है सर, दूसरा ये ऐसे, ये दूसरा, तीसरा ये, देखो कितने सरल अभ्यास है, भस्त्रिका तो चल ही रहा है, साथ में भी चल रहा है, फिर इसमें उष्ट्रासन, फिर गोमुखासन, फिर मकरासन और भुजंगासन, ये कितना इजीली हो जाता है। अब थैंक यू इंडिया टीवी, करोड़ों लोगों की जान बचा दी, नहीं तो कहते कोरोना में लाशें उठाने वाले नहीं मिलते। ये गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, कोरोनिल, स्वासारी, अणु तेल जो बताया उस समय, हमने उस समय शंखनाद किया था, ये
लंबा शंखनाद किया करे, ये भी एक उपाय है, उपचार है। ये हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं है ना, बड़ी गहरी हैं। ऐसे ये गोमुखासन करें और शंखनाद किया करें सुबह सुबह, और सुबह सुबह भजन कीर्तन किया करें और पॉजिटिव रहा करें। अब देखो, बात एक पॉजिटिविटी की है, लेकिन इसको मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। जब हम योगाभ्यास करते हैं ना, तो मैंने कहा एक सोल से ले, सेल से लेकर के सोल तक पूरा हमारा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक उसकी पूरी इंटरनल सिग्नलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरी एनर्जाइज को, एनर्जी को चैनलाइज करते हैं हम। तो ये जो योगाभ्यास हम कराते हैं, तो खाली ऐसे नहीं कि हमने अभी जैसे फेफड़ों का अभ्यास बता रहे हैं, हम अभी उष्ट्रासन बता रहे हैं, गोमुखासन बता रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन बता रहे हैं, इससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा कर रहे हैं, सारे टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स को अच्छा कर रहे हैं, एक एक पूरे सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, सब पूरा एक्सप्रेशन, पूरा बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन कर रहे हैं, पूरा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के साथ साथ एप्टोसिस को अच्छा कर रहे हैं, ऑटोफेजी को अच्छा कर रहे हैं, और एक माइटोफेजी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है उसको अच्छा कर रहे हैं। एक एक सेल, जीन्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को रिपेयर कर रहे हैं। बहुत जोरदार मामला है ये। तो ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, इतना ही कर लिया भुजंगासन, अब हम ये 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक करा देते, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से, तो फिर ये 100 साल नहीं चलेगा, फिर कोरोना का खात्मा हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे हम इसको। योग नहीं किया तो कोरोना 100, 200, 500 साल, हजारों साल तक चिरंजीवी रहेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को भी सताता रहेगा। इसलिए माता पिता, बच्चे, परिवार, जो कोरोना के समय बच्चे पैदा हुए, माँ बाप के बच्चे होने के साथ साथ उनमें कोरोना का असर भी है, इसलिए कोरोना के भी बच्चे हैं वो। वैसे स्वामी जी, जिनसे उनके अंदर असर आ गया, अब उसको ब्रेक करना है और अपने प्यूरे एक एक डीएनए को और जीवन को रिपेयर करना है। अब ये अपना रूप बदलते रहते हैं, इनके अंदर भी जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं और फिर ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। साइंस जनरल नेचर के मुताबिक जो लोग कोरोना से सीरियसली इन्फेक्टेड हुए थे, उनमें से अब ऐसे हेल्थ इशू लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं थे। मसलन किसी को डायबिटीज नहीं थी तो फिर डायबिटीज हो गई, किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों की तो शरीर की प्रकृति भी चेंज हो गई। कभी किसी को अगर वात की परेशानी नहीं थी तो उसको वो हो गया, यानी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन शरीर में वो देकर दोषों को गड़बड़ कर दिया। आप ठीक करें, पूरी लाइफस्टाइल डिजीज को इंड्यूस कर दिया जी, इंक्रीज कर दिया। तो ये बीपी, शुगर और थायराइड, इनको एक साथ एड्रेस करते हैं। तो देखो, जिनको थायराइड है उनको तो ये, एक तो ये सर्वांगासन करना है जो कर सके, सर्वांगासन और हलासन, तो इतना भी ना कर पाए। अब एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करना पड़ेगा। तो फिर ये मत्स्यासन कर लें, ऐसे सिंहासन उज्जाई कर लें, इससे तो थायराइड ठीक हो जाएगा। और थायरोग्रेट ले लें धनिया के पानी के साथ, और ये थायराइड का पॉइंट भी अंगूठे के नीचे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये थोड़ा दबा लें। अब बचा बीपी, शुगर। अब इसके लिए 2 ही अभ्यास कर लें मात्र। देखो, हम कई बार 5-5, 10-10 अभ्यास बताते, लोग कर भी नहीं पाते और विचलित हो जाते हैं, गफलत में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। देखो, एक तो ये पवन मुक्तासन बड़ा ज़बरदस्त, अब इसको और एंजॉय के साथ करना है तो चलित पवन मुक्तासन कर ले, पूरा आनंद आ जाता है इसमें। ऐसे ये इसमें ऐसे ये और ऐसे करके फिर पवन मुक्तासन में कपालभाति किया तो पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवोग्रीट, लिवामृत, लिवर के लिए, किडनी के लिए रिनोग्रीट, और फिर सप्ताह में एक बार कम से कम जो और गोखरू का पानी, जो गोखरू
और कुल्हत का पानी हम पिला देते हैं रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन, तो फिर रिनोग्रिड दे देते हैं सप्ताह में एक बार, नीम पीपल के पत्तों का रस पी लो, किडनी फेलियर से बच जाएगी। डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन बैठ करके मंडूकासन, और बीपी भी है ना तो साथ में, तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड के साथ और लौकी के जूस के साथ ही मरकटासन और कर देते हैं। मरकटासन सी ऐसे सीधे लेट के, उल्टे लेट के मकर आसन, ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा होता है। समासन तो ऐसे संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करके दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से गुणातीत भावातीत हो जाते हैं ये, और फिर एक ही मंडूकासन बड़ा ईजी है ऐसे। आगे झुक गए रुक गए, अब इसमें पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, मधुनाशिनी खाली पेट इम्यूनोग्रिड के साथ और मधुग्रिड खाने के बाद, बहुत कमजोरी आ गई तो अश्वशिला भी दे देते हैं मधुग्रिड के साथ, और डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशन हमने बताया था पूरी तरह से 100% अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो ये एक के बाद दूसरा ना एक क्रम है, एक के बाद दूसरी बीपी शुगर फिर थायराइड फिर अस्थमा फिर अर्थराइटिस फिर गैस कब्ज एसिडिटी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन फिर स्किन प्रॉब्लम, एक कुणबा पूरा इकट्ठा हो जाता है बीमारियों का। बिल्कुल स्वामी जी, हमने ठान रखा है कि इन बीमारियों के पूरे खानदान का कुणबे का ही नाश करना है। एक बीमारी अमित शरीर में आती है दूसरे को कॉल मिलाती है, हेलो बहन कैसी हो आ जाओ यहाँ पार्टी करते हैं, घर मिल गया। और शायद यही वजह है कि स्वामी जी पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बाद अस्थमा अटैक भी काफी बढ़ गया है लोगों के लिए, काफी दिक्कत खड़ी कर रहा है, और स्वामी जी इस परेशानी से कैसे निपटा जाए, और जो पहले से एस्थमेटिक है अब उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाए कि अपने आप को ठीक रखें, हिफाजत से रखें अपने आप को। अब देखो सबसे अच्छा तो मकरासन भुजंगासन और शुरू से हमने ताड़ासन से सब बताया ही था, और एक बात और बताता हूं मैं, है ना, देखो थोड़ा स्टीम ले ली इधर, ये नस्य जो बता रहा था धूम नस्य जल लेती सूत्र लेती, और ये जो स्टीम है ना बड़ी ज़बरदस्त है, इधर कुछ भाई स्टीम ले रहे हैं, कुछ को फिर जो है ये लेप लपेट लगा दो, जो है पतंजलि बाम पूरा छाती में लगा के लपेट देते हैं पूरा, और ऊपर से कपड़ा लपेट देते हैं फिर कॉटन का, हल्दी अदरक लहसुन प्याज और उसमें दिव्य धारा मिला करके उसको लपेट देते, कितना ही फेफड़ा खराब हो गया, डोथड़े जैसा हो गया, सार्कोडाइसिस लंग फाइब्रोसिस लंग में टीबी कैंसर तक ठीक किया हमने, पतंजलि बाम को लपेट देते हैं और ये हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा मिला करके इसको लपेट करके करीब आधा घंटा ऐसे छोड़ देते हैं, करीब ऐसे 5 मिनट तक ये नस्य देते हैं, एक तो पानी वाला नस्य हो गया दिव्य धारा के साथ, धूम नस्य हो गया मुलैठी गाय के घी और उसमें त्रिकटू कपूर लौंग और एक सिंघाड़े जैसा फल होता है बड़ा जबरदस्त होता है, फिर ये जलनेती सूत्र नीति बहुत जबरदस्त है, ये बस्ती भी जो शुरू में बताई थी ना लौंग बस्ती बड़ा जबरदस्त काम करती है, नस्य भी फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, ऐसे आराम आराम से, और जो थोड़े मजबूत हैं वो तेजी से कर लें, मैं तो ऐसे आधा ही घंटे तक कर लेता हूँ, मेरे भाई सप्ताह में एक बार तो मैं करीब 10-15 मिनट लगातार करता हूँ, 1000 बार हो जाता है, 1000 बार हम 1 मिनट में करीब 150 बार, और फिर जो है ऐसे कर लेते हैं 5-7 मिनट में, और आराम आराम से करे तो 100 बार, 10 मिनट में 1000 बार। जिनका पहले से दम उखड़ा पड़ा है तो थोड़ा धीरे धीरे, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ये स्वासारी ये ब्रोनकोम स्वासारी गोल्ड ये बड़े जबरदस्त हैं, खांसी भी उठती है कुछ तो प्राणायाम करे तो खांसी उखड़ जाती है, तो ये पूरा कंठामृत लवंगादि खदिरादि वटी या पूरा ऐसे ही पूरा साजो सामान हमने सजाया हुआ है, पर स्वासारी प्रवाही भी है, स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ भी है, ये स्वासारी है और ये पंचकोल है, ये स्वासारी और पंचकोल बड़ा ही ज़बरदस्त है ये चीज़ें, पहले बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे अब जानने लगे, बड़ा ज़ोरदार मैटर है ये।
ऐसी ये स्वासारी और पंचकोल इसमें थोड़ा अच्छा, सा मिला करके ये करीब 10 ग्राम ले लिया, ये करीब 5 ग्राम ले लिया, और हमारे कार्यक्रम से पका लो, 1 लीटर बच जाए तो बोतल में भर के रख लो, सुबह से शाम तक यही पी लो। हमारे कार्यक्रम से सीख कर कई लोग ऐसे जो हमी को सलाह भी देते, अरे मीनाक्षी जी एक काम करिए ना, स्वासारी जो है वो इस्तेमाल करिए हनी के साथ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। ये सच है, बिल्कुल सच है। स्वामी जी अब एक रिपोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं। और ये अभी स्वासारी पंचकोल सीतोपलादी सब स्वर्ण संत मालती, अब ये अलग अलग मिलाना नहीं पड़ेगा, एक ही में मिला करके हमने ये कांच की बोतल में भर के दे दिया, इसका एक चम्मच खा ले, अब मिलाने वाला झंझट भी खत्म। तो शहद में मिला करके हमने सारी चीजें पहले ही पैक करके दे दी। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं कह रही हूँ कि एक रिपोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसके मुताबिक इस साल भी 46% लोग कोरोना से इफेक्ट हुए हैं। जो हार्ट अटैक की परेशानी जिस तरह से बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक योगिक सेशन करा दीजिए, साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी उस सेशन के साथ साथ बता दीजिए, ताकि जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम कोविड की इस बीमारी से जुड़े हुए हैं उससे पीछा छूटे। कम से कम घर पे ही ये कार्डियक एक्सरसाइज का एक सेशन है, एक तो ये, एक ऐसे जिनसे इतना भी नहीं होता तो उनसे हम बोलते हैं कि भाई आप यही कर लो ऐसे ऐसे। देखो कार्डिक डिजीज में तो ये पहली बार विश्व के इतिहास में हमने किया है कि आपको पेसमेकर के बिना, बिना बाईपास के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हम अच्छा कर देते हैं, खाली पेट देते हैं। कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या अर्जुन घनवटी, ये तो औषधि हो गया है। और ये अब तो सब लोगों को पता लग गया है, जो इतना भी ना कर पाए तो आराम आराम से प्राणायाम कर लें, नहीं तो एक ये कार्डिक एक्सरसाइज में, फिर एक ये, और थोड़ा सूर्य नमस्कार जो हम अभी बता रहे थे, और फिर ये जो कर लेंगे ना, और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम जो है ये जो हम बताते हैं ये अभ्यास, एक तो ये अभ्यास, और इतना भी ना कर पाए तो ये भुजंगासन ही कर ले, और गोमुखासन तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी। और कभी फ्रोजन शोल्डर, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पुरुषों को कभी भी हाइड्रोसेल और प्रोस्टेट की, और लेडीज़ को कभी भी यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा ज़बरदस्त है। गैस एसिडिटी भी इससे नहीं होगी, यूट्रस प्रोलैप्स भी नहीं होगा। मूल बंद लगा करके करें इसको, और कपालभाति के साथ करें। हार्ट 100% परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो पूरी दुनिया में कितनी गलत फहमी है, विज्ञान के नाम पर अज्ञान और धर्म के नाम पर अधर्म, और उपभोक्ता और उपभोक्तावाद और साम्राज्यवाद पर के नाम पर पूरी दुनिया में लूट खसोट षड्यंत्र चल रहा है, और एक बहुत ही क्रूरतापूर्ण ये कृत्य जो चल रहा है। लोगों को बहका दिया गया कि एक बार हार्ट में ब्लॉकेज आ गए तो फिर ठीक नहीं होगी, और फिर दो दो तीन तीन बार तक बाईपास एंजियोप्लास्टी करवा करवा करके लोग मेरे पास आते हैं, और फिर कहते हैं बाबा आप कोई रास्ता बता दो। मैंने कहा पहले ही योगाभ्यास कर लेते, इंडिया टीवी देख करके पहले कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी नहीं लेते, पहले ही लौकी का जूस पी लेते, पहले ही थोड़ा खाने पीने में संयम कर लेते, तीन तीन बार लोगों को बाईपास करने पड़े। मैं कहता हूँ नो बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो फिर उसमें लगा देते हैं, बोले पेसमेकर लगाना पड़ेगा, पेसमेकर 5 साल बाद, फिर उसका करंट गाय, फिर दोबारा चेंज करो। तो ये सब पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं, जो हम उपाय बताते हैं इनको करो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, गुरु भगवान की शरणागति में सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ, सूर्य उदय के साथ अपने जीवन का भाग्य उदय करो, अपनी प्रतिभा, अपनी प्रतिमा, खुद अपनी घड़ो, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनो, हार्ट भी ठीक हो जाएगा, लीवर किडनी ठीक हो जाएंगी, बीपी शुगर थायराइड ठीक हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली गई कोरोना में बहुतों की, तो आई ग्रिड ले लो, कान में घू घू की आवाज आ रही है तो ईयर ग्रिड ले लो, ईयर ग्रिड ड्रॉप भी डाल लो। जी मेरे भाई जी, बिल्कुल, योग से तो जिस तरह से लंग्स प्यूरीफाई हो जाते हैं, तो क्या योगाभ्यास वर्कआउट करने से ब्लड को भी प्यूरीफाई किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, और अगर है तो उसका तरीका क्या है स्वामी जी? स्वामी जी ब्लड बनाने से लेकर ब्लड प्यूरीफाई करने तक पूरा प्रोसेस बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ना बहुतों को मैंने देखा सोराइसिस, एक्जिमा बहुत उभर गया,
पूरा शरीर उधड़ रहा है लोगों का कोरोना के बाद, कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन और उसके बाद जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड लिए, पूरा शरीर उधड़ रहा है लोगों का और सफ़ेद दाग तक हो गए। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए तो गोधन अर्क, नीम की गोली, कुछ कहते हैं हमारे गिरी साहूजा जी बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लाखों उनके शिष्य हैं, बोले समझे थोड़ा दवाइयों के नाम धीरे धीरे बताया करो, लोग भूल जाते हैं। तो गोधन अर्क नीम घनवटी, गोधन अर्क 4 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके ले लें, जिनको एसिडिटी हो थोड़ा हनी और एक चम्मच मिला लें, और खाली पेट कायाकल्प। अब 3 विकल्प हैं, कायाकल्पवटी, आरोग्यवटी या डर्माग्रिट। खाने के बाद सोरोग्रिट ले लें, और सफ़ेद दाग भी हो गए तो मिलिनोग्रिट साथ में ले लें, और मिलिनोग्रिट लेप भी बताते हैं हम, श्वेतघन लेप तो पहले बताते ही, और मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नीम का पेस्ट, एक दिन मैंने पूरा मड थेरेपी करके बताया था, ये लेप भी लगा देते हैं। और कायाकल्प क्वाथ एक हम देते हैं, उसको दिन भर पी लें, और कायाकल्प क्वाथ उसी से ही बस्ती ले लें, एनिमा ले लें, या नीम के पत्तों को कूट करके उसको पानी में अच्छे से उबाल करके उसका एनिमा ले लें। कायाकल्प का ये नीम की पत्ती का एनिमा, और किसी को ज़्यादा होता तो उसमें गोमूत्र भी और थोड़ा सा हम ये मिला देते हैं अरंड का तेल, ये भी थोड़ा मिला करके और वो बस्ती करवा देते हैं, ऐसा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, घर में रह करके ये एनिमा ले सकते हैं। ऐसे हमने पूरा लोगों को इतना समझा दिया, बता दिया, प्रशिक्षित कर दिया है, ऐसे अब आरोग्य को हमने घर घर का आंदोलन बना दिया है। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, आजकल पूजा पूजा नहीं दिख रही है, आपका रूप बदल गया एकदम से, ये बड़ा जोरदार है मठ थेरापी और फिर सन थेरापी, सुबह धूप में बैठो तो उससे तो अद्भुत लाभ होता है साहब। अब ये देश ने दोबारा प्रकृति को जीना सीख लिया है, प्रकृति से दूर हटे थे तो विकृति आई थी मेरे भाई, आपने सोचा या अचानक कौन सा जी बिल्कुल स्वामी नया बाबा अवतरित तो हो गया। मैं वही तो कह रही हूँ, आसन करते जैसे ऊपर आंखें खोली आपका स्वरूप बदल गया। अच्छा स्वामी जी, प्रदूषण बढ़ने से लंग्स से जुड़ी हुई एलर्जीज, केवल उसकी कैपेसिटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही, एलर्जीज की बात हो रही है, लोगों की सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलने के दम भरने लगता है, तो सांस लेने में तकलीफ, ये एलर्जीज जो है, चाहे वो पोलन की वजह से हो रही है, चाहे डस्ट की वजह से हो रही है, किसी को तो खुशबुओं से एलर्जी होती है। हाँ, ये जो एलर्जी है पोलन की एलर्जी, धूल धुएं से, मिट्टी से एलर्जी, किसी को तो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, जातियों से, पंथों से, मजहबों से, अलग अलग प्रकार की जो एलर्जी, पॉलिटिकल एलर्जी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। अब चुनाव भी तो नजदीक है ना स्वामी जी, NDA में और इंडिया में, तो ये तो ये सारी एलर्जी दूर हो जाएगी। एक तो फुल ऑफ एनर्जी मिलेगी योग से, प्राणायाम करें, और इम्यूनोग्रिट, ओहो बहुत जबरदस्त है, मैंने देखा गिलोय घनवटी एडवांस और ये इम्यूनोग्रिट, एक ना एक चीज तो इसमें ले ही लेनी चाहिए। ओहो, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, हमारे यहाँ बहुत बच्चे जब भी बाहर से आए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में, तो वो उनको चिकन पॉक्स हो जाए, किसी को बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, अभी इस बार वो देखा हमने आंखों का वो नया एक आई फ्लू आ गया, कंजक्टिवाइटिस। मैं साल में कम से कम 2-3 बार ऋतु परिवर्तन होता है तो 15 दिन कम से कम इम्यूनोग्रिट ले लें, इम्यूनोग्रिट गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जो थोड़े दुबले पतले से अश्वगंधा ले लें, अश्वगंधा का कैप्सूल, थोड़ा और भी ज़्यादा कमजोर हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हो गए हैं, घर गृहस्थी खराब हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, तो अश्वशिला ले ले, ये सारे ऐसी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली, रिद्धि वृद्धि जीवक कृष्णक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, इन सबको मिला करके हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर बना रखा है, उसको एक एक चम्मच खा ले, और आड़ कबाड़ खाते हैं सब बंद करो, चाय कॉफ़ी और तब चॉकलेट और सब इधर उधर सब अड़गम सड़गम बड़गम पड़गम खाते रहते, अच्छी चीज़ें खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, नेचुरल घी, एक से एक चम्मच गाय का या भैंस का घी, जो भी जिसको, अब किसी को सफ़ेद किसी को पीला घी खाने के हमने तो आदत डाल दी है लोगों को, ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिग्रेट गोल्ड भी देते, घी जरूर खाएं, नेचुरल घी और नेचुरल ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल और ये जो है सेचुरेटेड फैट, ये अलग अलग प्रकार से
तल तल करके पूरा खुद तले जा रहे। पहले कहते थे नरक में तेल के कढ़ाई लग रहे उसमें तलते हैं, पर नरक में तो कोई तलता हुआ किसी ने कोई देखा नहीं, कोई फोटोग्राफ आया नहीं। ये जो तल तल के खा रहे हैं ना, यही तले जा रहे हैं, सब पिले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, यही नरक की कढ़ाइयां हैं जो घर में पड़ी हुई है। स्वामी जी आजकल तो एयर प्यूरिफायर भी आ गए, एयर साथ ही साथ जो हम कहते हैं एयर फ्रायर भी आ गए, दोनों चीजें आ गई हैं। कोई एलर्जी नहीं, हवा साफ करने के लिए भी आ चुके हैं स्वामी जी, और खाना पकाने के लिए अब हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, भस्त्री का तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, जो कितने जरूरी हैं स्वामी जी, क्योंकि एलर्जी की बात हो ही रही है। 80% हमारा दिमाग ना कोलेस्ट्रॉल से बनता है, वो घी और तेल से मिलता है मेरी बहन जी। जी मेरी बहन, क्योंकि एलर्जी की बात हो ही रही थी स्वामी जी, तो सबसे कॉमन एलर्जी है छींके आना, आंख और नाक से पानी बहना। ऐसे में लगातार जब छींके आती हैं या आंख नाक से बेहिसाब पानी बहने लगता है, तो क्या उपाय करें कि इंस्टेंट इनसे राहत मिले और ये परेशानी आगे ना हो। कल एक बहन आई शर्मिला, उसको पार्किंसन, आंख में आंसू बनने बंद हो गए, मुंह में सलाइवा बंद हो गया और उसको कफ कोल्ड भी, सब ठीक हो गया खाली 7 दिन में पंचकर्मा षटकर्मा करने से। इसलिए जो ज्यादा ही ऐसे परेशान आत्मा है वो पतंजलि वेलनेस में आ जाएंगे, और हम 8954666111 नंबर भी इसलिए चलाते रहते हैं, नहीं तो लोग ठगी के शिकार होते। जो ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो जाए, और ये जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है ना, पता नहीं ये कुछ क्या हो गया बिहार में, बहुत आपस में गोली मारी हो रही है। योग करें, अरे भाई सोचो तो सही, एक खुदा, एक अल्लाह, एक गॉड, एक वाहेगुरु काल खोर परमात्मा, एक ही आत्मा सबके भीतर, ये नफरत कब खत्म होगी, ये ठीक नहीं है भाई। देखो योग करने से प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है, देखो ये भी एक बात बताता हूँ। और ये आपस में मार धाड़, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत है ना, योग से ही युद्ध खत्म होगा। और आदमी जो क्रुद्ध हो रहा है, क्रोध की जगह बोध जागृत होगा। बोध गया में यही तो संदेश दिया था, और बोध गया बिहार में, और बिहार में विहरण करते थे हमारे साधु संत महात्मा, अब वहाँ आपस में झड़प हो रही है, 3 लोगों की बोलो मौत हो गई सुबह सुबह, ये ठीक नहीं है। तो भाई वापस योग की तरफ लौटो, अपने मूल स्वभाव मूल प्रकृति की ओर लौटो, और सारी विकृतियों से मुक्ति पाओ। तो आँखों में बहुत आंसू आते हों, और आँखें लाल नहीं होनी चाहिए, तो दृष्टि, बाकी जो कोमल आँखें हैं बच्चे हैं और जिनकी आँखें लाल रहती हैं उनको सौम्य या आई ग्रिड, कान में अलग अलग तरह की घू घू आती हो तो ईयर ग्रिड ड्रॉप, आँखों के लिए आई ग्रिड वटी और आई ग्रिड ड्रॉप भी है, कान के लिए ईयर ग्रिड वटी भी, ईयर ग्रिड ड्रॉप भी। नाक में नस्य जो है चल रहा है बहुत देर से, धूम नस्य भी चल रहा है और जल नस्य भी चल रहा है, उसको स्टीम बोलते हैं, धूम नस्य जो है वो अलग चल रहा है, फिर जल नीति सूत्र नीति अलग चल रही है, अणुतेल से बादाम रोगन से अखरोट से ओह ज्योतिषमती से नस्य हम अलग चल रहा है। ये सारी चीज़ें ना सब अंदर का ये गड़बड़ घोटाला ठीक कर देती हैं, सदियों पुरानी चीज़ें थी स्वामी जी, हमें इंडिया टीवी ने उसको घर घर पहुंचा दिया, बार बार हमारे मुंह से आज निकल रहा है थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू स्वामी जी आपको, कभी आप भारत टीवी कर अगर आप नहीं होते तो कोविड काल में आप सोचिए करोड़ों लोगों को योग के जरिए कैसे हम कोरोना को दूर रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे पता लगता है। तो उसके लिए स्वामी जी आपको हम धन्यवाद कहते हैं, और तमाम वो लोग जो लगातार आपके साथ जुड़े हैं पिछले 2-3 साल से। स्वामी जी आजकल लोगों को सूखी खांसी की भी काफ़ी शिकायत हो रही है, और कई लोग तो खांसी आने के बाद भी पूरी तरह से खांस नहीं पाते और बेचैनी रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय है? ये सूखी खांसी बड़ी खतरनाक होती है जी। तो एक तो सूखी खांसी के लिए देखो ये कंठामृत, ये तो आप लोग भी रखा करो, कभी कभी मैं देखता हूँ एंकर खू 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 करने लगता है, हमारे लिए हुसैन रखते हैं स्वामी जी, मतलब अनकंफर्ट फील करते हैं, तो आप सब लोग एक रखते हैं ना, तो ये कंठामृत रखा करो। ट्रेडिशनली वो लवंग आदि खदिरा आदि मुलेठी काली मिर्च मिश्री उसको, या हल्दी अदरक उसको चूसने से भी खांसी ठीक होती है। सूखी खांसी के लिए शीतोपल आदि बड़ी जबरदस्त है, कफ वाली खांसी के लिए त्रिकुटू या स्वासारी पाउडर हम देते हैं, और ये शीतोपल आदि जो चूर्ण है पाउडर है ना, ये सूखी खांसी के लिए घर में भी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी तुलसी, शहद मिला करके थोड़ा थोड़ा करके चाट लो, पहले सबको पता होता था। बनफसा और बासा पहले घरों में लगा के रखते थे लोग, इसका काढ़ा पी लिया करते थे,
अब हमने ये रेडीमेड बना दिए, ये जो है एला स्वासारी और ये स्वासारी प्रवाही एक्स्ट्रा पावर तैयार कर दिया बहन इसमें। ओहो बड़ा जबरदस्त स्वासारी प्रवाही, गर्म पानी में डाल के पियो, सूखी खांसी छूमनता है। इतना जबरदस्त काम। हाँ, जिनको खांसी है वो मुलेठी का पानी पी सकते हैं, अकेला मुलेठी का भी कुआत देते हैं और स्वासारी कुआत भी देते और सूखी खांसी के लिए, और कप को बहुत अंदर जमा हुआ है तो नशे भी करो, साथ में स्वासारी और पंचकोल दोनों पी लो, सब फर्स्ट क्लास। और अब तो इस बार बरसात खूब है, सर्दी भी कड़ाके के आने वाली है, दूध में हल्दी खिला दी, स्वामी जी कड़ाके की बारिश हो रही है, है। जाता जाता मॉनसून लौट आता है, समझ ही नहीं आता ऐसे काले काले बादल यहाँ एनसीआर में छाए हुए हैं, प्रभा ले लेना, खूब गरज के बादल बरस रहे हैं। अरे आज तो 3 बजे से बरस रहा है, हम 3 ही बजे से उठे हुए जी। अच्छा स्वामी जी, अब थोड़ी सी हम किडनी की भी बात कर लेते हैं। नेचर की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को किडनी से जुड़ी हुई दिक्कत थी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई, तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप योग तो बताए हैं और साथ ही साथ लीवर के लिए लिवोग्रिट लिवामृत तो मैं बताता हूं, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोय, और किडनी के लिए शीशम पीपल के पत्तों का रस और रिनोग्रिट, वो तो किडनी के हमारे पूरे नेफ्रॉन्स को अच्छा कर देता है। हाँ ये बड़ा जबरदस्त, मस्तिष्क पर असर आ गया हो तो मेमोरी ग्रिट मेदावटी ले लेना, उससे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के अल्वोलाइज, ये अलग अलग सेल्स के नाम है, उसके लिए स्वासारी और ब्रोनकोम, और किडनी पर असर आ गया है तो रिनोग्रिट, ट्राइघन कोरीघन नीम पीपल के पत्तों का रस, वृक्कदोष और क्वाथ, ये सब बड़ी जबरदस्त चीजें स्वामी जी, और कपाल भाती जरूर करें, और ये पॉइंट दबाते हुए करें ऐसे, किडनी 100 साल तक अच्छी रहेगी, जाने के बाद दूसरे के भी काम आएगी, दूसरी पीढ़ी भी ठीक रहेगी। मेरा अक्षय जोशना जी, स्वामी जी, लंग्स की एक बात होती है कि लंग्स जब कमजोर होता है तो आपको सीने में दर्द महसूस होता है, या फिर आप कहते हैं ना कि बहुत जल्दी हांफ जाते हैं और दर्द भी होता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है कि जो परेशानी है लंग्स की है या फिर आपको चेस्ट पेन हो रहा है यानी कि हार्ट की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में इससे कैसे निजात मिले, आराम मिले, और दूसरी बात है पता कैसे लगे कि ये जो दर्द है ये सीने मतलब हार्ट की वजह से है कि लंग्स की वजह से? जब किसी किसी को ऐसे भी जनरल गैस बनती रहती है जी, गैस बनती तो है, गोमुखासन करते हैं तो कुछ ऊपर से कुछ नीचे से अपने आप निकल जाती है, गैस से भी सीने में दर्द होता है, कफ कोल्ड से भी सीने में दर्द होता है, वो पता लग जाता है थोड़ा, यदि आप ऐसे लंबा सांस ले भर के देखें ऐसे लगभग 2 से 2.5 सेकंड में, फिर पूरे छोड़ के देखें और कोई खटपट नहीं हो रही है अंदर, पूरा क्लियरिटी है, तो समझ लेना आपका लंग एक्सेप्टेबली हेल्दी है। दूसरी बात, जरा 25-50 सीढ़ियां चढ़ के देखा करें, अलग अलग मंदिर ना बड़े ऊंचाई पर हैं, तो मैं तो कहता हूँ और दिन नहीं तो सैटरडे संडे दौड़ के जाया करो, जवान तो 80 साल तक तो दौड़ना चाहिए, बाद में चलना चाहिए, तो जब सांस फूले ना और लंग क्लियर है तो समझ लो हार्ट की प्रॉब्लम है, और पेट अच्छे से साफ नहीं होता, थोड़ा गैस गुस्सी बनती रहती है, पता है सबको, जब पेट जिनका गड़बड़ रहता है ना तो वो गैस के कारण से, तो गैस से भी, कफ से भी और हार्ट से भी लंग में पेन होता है, और तीनों के अलग अलग कारण हमने बता दिए, उनका निवारण तो योग से होता ही है, वो तो बता ही रहे। और कल किस समस्या का निवारण करेंगे स्वामी जी आप, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। घटती ओजोन लेयर खतरा बड़ा, कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल, क्योंकि असर जो होगा इसका आंखों पर हमले के रूप में होगा। खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें क्या बढ़ा रही हैं कैटरैक्ट ग्लूकोमा, योग आयुर्वेद का असर चमत्कारी, नजर तेज दूर आंखों की होगी हर बीमारी, तो आंखों का कैसे रखें ख्याल और कैसे पाएं इन सारी परेशानियों से मुक्ति बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह ठीक 7:56 पर। तो ये क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मामला आंखों का है। स्वामी जी, बहुत देर से हम लाइट थेरेपी का जिक्र सुन रहे थे, तो ऐसे में उस थेरेपी के बारे में भी बता दीजिए और क्या उसके फायदे हैं वो भी बता दीजिए। छोड़ तो देखो, ये जो IRR कर रहे थे ये बहुत जबरदस्त है, इधर तो मैंने हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा लपेट रखी है, एक को पतंजलि बाम लपेट रखा है, और इधर पीठ पर और इसको छाती पर दे देते हैं ऐसे, और आंखें बंद रखो भाई साहब, और ऐसे इससे लंग अच्छा हो जाता है,
जिनके कंधों में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो, तो ऐसे कंधे पर दे देते हैं, और पैर सामने खोलो भाई साहब, जिनके घुटनों में दर्द हो तो ये घुटनों पर दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जिनको ये सारी थेरेपी एक साथ लेनी हो तो फिर ऐसा करो, सुबह उठो, सूरज की धूप में बैठ जाओ, इंडिया टीवी लगा लो, सूरज की किरणों से सातों के सात रंग मिल जाएंगे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी, मन में उत्साह जगेगा, किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी नहीं रहेगा। तो ये कलर थेरेपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हम हर दिन कोई ना कोई एक विशेष थेरेपी बताते हैं, तो आज IIR बताया है, ऐसे ही हम ये बताते रहेंगे और सब लोगों के सब रोग मिटाते रहेंगे। अब इंडिया दैट इज भारत, अब भारत स्वस्थ बनेगा, रोग मुक्त रहेगा, एक भी व्यक्ति रोग से नहीं मरेगा, और योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो भूख से भी नहीं मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। चार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मेरा।